अमोल आणि रोहित अशी रजिस्टर जोडी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूने लेफ्ट हँड, दुसऱ्या बाजूने राईट हँड फलंदाज सुरेखा. ह्या टूर्नामेंटचं आकर्षण मात्र 14 चेंडू 55 धावा. प्रज्ञत हंबेरे मॅन फ्रॉम वरूर, सावे मोटरचा खेळाडू, हाफ सेंचुरी ज्याने आपल्या नावावरती लावली, मॅडन षटक ज्याने हाताळलं तोच प्रज्ञत हंबेरे पुढच्या सामन्यामध्ये नक्कीच आपल्याला दिसेल. तर तयार होताना अमोल गोलंदाजीसाठी वेगवान गोलंदाज चिंचणी संघाकडनं खेळणारा हा डहाणूचा खेळाडू प्रीतम बारी. पहिला चेंडू जोरदार अप्रतिम प्रहार सरल. टाळ्या मात्र झाल्या पाहिजेत कारण खूप चांगल्या पद्धतीने डान्सिंग अंपायर साईनाथ पाटील उर्फ माट्या सर चांगलं कार्य करताना अतिशय सुरेखपणे षटकार. परमोल हा सुद्धा माहीम गावचा सुपुत्र खूप चांगलं कार्य करताना अतिशय सुरेख गयज लागते. चेंडू थर्डमॅन रिजनला ट्रॅव्हल होते, एक धाव परिपूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. सात धावा धावफळकावर. रोहित येतो स्ट्राईक इंडला. सामोरे जाईल तो प्रीतम राऊंड विकेट गोलंदाजी करताना. हा मात्र वेगावर अजिबात नियंत्रण नाहीये आणि फ्री हिटचे संकेत, नो चेंडूचे संकेत आणि अशाच टाळ्या मात्र झाल्या पाहिजे. असाच आवाज येणं खूप गरजेचं आहे मित्रांनो. उत्साह वाढवा तरच खरा आनंद आपल्याला घेता येईल आणि त्यासाठी मात्र सर्व प्रयत्न करताना धावसंख्या 9 धावा. धावफळकावर. तयार होताना प्रीतम सामोरे दिलतो अमोल. लाभ केला सरल मिडांच्या वरनं एक्झिक्यूट षटकार डीप से. सुरेख डान्स मात्र बघायला मिळतोय. षटकाराला दाद दिली जाते आणि माट्या सरांना सुद्धा बिझी ठेवलं जात आहे. डीजे ऑपरेटर सुद्धा बिझी आहेत कारण अमोल हा षटकाराची आतषबाजी मैदानाच्या आतमध्ये करताना. सुरेख षटकार बघायला मिळतोय. प्रीतम बारीवरती हल्ला बोलताना तिशी सुरेख वेगवान चेंडू निर्धाव जाताना. धावसंख्या आहे ती 15 धावा. 15 धावा धावफळकावर. मोहपडा बॉईज संघ मात्र ह्या टूर्नामेंट साठी सुरेख कार्य करतोय. तिशे सुरेख क्लिंग बोल डिच से. सुरेख फिनिश सुद्धा आपण बघू शकतायत. तो पहले ओवर की समाप्त. एक गेंद अभी भी आनी शेष है. 15 रन स्कोर कार्ड पर. फिनिश सितार अब मैदान की तरफ. मैन फ्रॉम मनोर चा हा खेळाडू भोपाळ बॉईज संघामध्ये खेळताना बघू शकताय. तयार समय दिनेश तिशे सुरेख सिंगल रन जरूर लेना चाहते थे लेकिन प्रीतम बारी वापसी करते हुए
दो बड़े हिट जरूर आए हैं और ओवर देने का जो स्टाइल आप देख सकते हो खूबसूरत। ओवर की समाप्ति 15 रन पहले विकेट के नुकसान के ऊपर, दो ओवर का मैच है, 6 गेंदे अभी भी आनी शेष है और मोहपाड़ा बॉयज ने अप्रतिम स्टार्ट दिया है। 15 रन से यानी खूबसूरत स्टार्ट। अब धनंजय को बुलाया इस समय गेंदबाजी के लिए। धनंजय के पास अच्छी लेंथ लाइन थे, भारत के गेंदबाज सती गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अगर मोहपाड़ा बॉयज के बल्लेबाजी की बात करेंगे तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया है, खूबसूरती के साथ में बड़े हिट को इजाद किया है और अपने टीम के सभी खिलाड़ियों की जो इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस है वाकई में खूबसूरत। तो देखना इस समय रोहित के सामने क्या यहाँ पे धनंजय सती गेंदबाजी कर पाएंगे। भारत के गेंदबाज इस समय लिप्टम ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। इस समय धनंजय फील्ड का मुआयना करते हुए पैवेलियन की तरफ से धनंजय गेंद अनोखे अंदाज में ए वाइट। तो इस सिंगल के साथ में 16 रन इस समय स्कोर कार्ड पर, बहुत ही खूबसूरत तैयार इस समय धनंजय। अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, इस गेंद को बिल्कुल भी नहीं घुमाया, जैसी गेंद गिरी निकल गई विकेट कीपर के हाथ में और गोरू ने आगे का काम बखूबी निभाया। धनंजय तैयार एक बार फिर सामने समय रोहित। अच्छी गेंद, गेंद को देखा, हल्के हाथों से गेंद को खेला, जब तो गेंद को उठाएंगे सिंगल आसानी के साथ में। अच्छी फील्ड, बढ़िया फील्ड इस समय, तेजी से आए खिलाड़ी और सिंगल रन को बचाया है। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 4 गेंदे आनी शेष है और अब दिनेश सुतार आए हैं स्ट्राइक इन के ऊपर। दिनेश तैयार, बहुत ही खूबसूरत कवर रीजन में खेला इस समय, सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन 2 रन आसानी के साथ में लेते हुए जब तक थ्रो करते 2 रन पूरे, 2 रन के साथ में स्कोर आगे सरकता हुआ 19 रन। तो देखना है नीलेश फाइटर की बात करेंगे, उनमें क्षमता है, किसी भी लक्ष्य का पीछा करने की ताकत उनमें है, तो एक अच्छा टारगेट देंगे तो टफ फाइट मैच जरूर देखने को मिलेगा। ये गेंद दिशा से भटकी है क्या, देखना है। यस, दिशा से जरूर भटकी है। तो देखने इस समय तैयार एक बार फिर धनंजय, स्लेट कट खेलने का जरूर प्रयास था इस समय, गेंद को सिंगल रन जरूर मिलेगा। दूसरी रन के लिए काफी तेजी के साथ में दौड़ते हुए और ये 2 रन पूरे, 2 रन के साथ में स्कोर आगे सरकता हुआ 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, गेंदे आनी शेष है 2, यानी कि पहली ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर था 15, अब 4 गेंदे डाली है, दी है रन 7। अच्छी गेंदबाजी अब तक की है धनंजय ने, 2 गेंदे अगर अच्छी दिशा में डालते हैं, जो मोमेंटम मिला है वो अंतिम गेंद तक कायम रखेंगे तो नीलेश फाइटर के लिए अच्छी बात होगी। तो तैयार इस समय धनंजय, सामने इस समय दिनेश सुतार, मोहपाड़ा बॉयज का पैटर्न दिखाने के लिए तैयार है आखिरी कुछ 2 गेंदों के लिए। खूबसूरत बैकफुट पे गए, रबर बॉल बैकफुट के ऊपर अब जाओगे सिंगल रन 22 लेग 22 के रूप में, सिंगल के साथ में इस समय स्कोर आगे सरकता हुआ 23 रन। आखिरी गेंद के ऊपर रोहित क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, देखना इस समय रोहित। तैयार, बहुत ही खूबसूरत एक्शन आप मैदान के अंदर देख सकते हो। आखिरी गेंद, खूबसूरत क्लिंग बोल,
बोपड़ा भाई फील्ड सजून घ्या, चला लवकर बारा चेंडू जिंकण्यासाठी 24 धावांचं आव्हान, 12 रिक्वायर्ड रन रेट आस्किंग रन रेट ठेवावा लागेल सामना जिंकण्यासाठी। ओपनिंग पेयर मैदानाच्या आतमध्ये प्रीतम बारी आणि महेश राऊत अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये। मैदानाच्या आतमध्ये जाताना दोन्ही खेळाडू प्रीतम बारी हा मोठे फटके मारण्यासाठी प्रचलित असा खेळाडू। गोलंदाजीसाठी गोलंदाज नीलेश देखने समय बाहर आ गए थे 24 रन। नीलेश गेंदबाजी के लिए मोहपड़ा बॉयज के आला गेंदबाज है, फ्रंट लाइन गेंदबाज है, जिम्मा कंधों के ऊपर इस रनों को बचाने के लिए बेस्ताब लग बोर्ड टीम। शुरुआती समय नीलेश पैवेलियन की तरफ से, सामने समय प्रीतम बारी। ओ ये जो मौका दिया है कहीं न कहीं बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरे टीम को। गलती एक करेगा लेकिन नुकसान सबका होगा, तो देखना एम्पायर कहते हैं जिस तरह से कैच को छोड़ा है, आने वाले समय में जरूर खतरा मंडराएगा प्रीतम बारी का मोहपड़ा बॉयज के सर के ऊपर। तैयार इस समय नीलेश, ओ अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, तेज गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, पूरी तरह से बीट करती हुई महेश राउत को। तो नीलेश यहां पर अपना क्लास दिखाते हुए, हमें गेंद दी है, बड़ा मुकाबला है लेकिन जिम्मेदारी अगर हमारे कंधों के ऊपर डाली है तो हम विश्वास के साथ में गेंदबाजी करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैच को जीतने के लिए अपना अहम रोल अदा करें। तैयार तीसरी गेंद लेके एक बार फिर पैवेलियन इन की तरफ से नीलेश, ये गेंद उछाल प्राप्त करती हुई, वंस बाउंस अंपायर संकेत देते हुए वार्निंग देते हुए कि दूसरी गेंद आप ऐसी नहीं डाल सकते, लेकिन जिस तरह से बाउंस मिला गुड लेंथ के ऊपर गेंद गिरी, थोड़ा सा बाउंस मिला, ये बताता हुआ विकेट किस तरह से इस मैदान के ऊपर खेल रहा है। अच्छी सटीक गेंदबाजी करोगे, कंधों का अच्छा इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ में विकेट साथ देगी। तैयार एक बार फिर नीलेश, आला गेंदबाजी, सुपर मैग्निफिसेंट गेंदबाजी। ये गेंद वाइट, वाइट गेंद के संकेत, दो रन स्कोर कार्ड पर, गेंदे हो चुकी है 3। अब तक बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी रखी है गेंदबाजी में, खूबसूरत गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है, लेकिन 3 गेंदे अगर अच्छी दिशा में डालते हैं तो फिर ये आपकी गेंदबाजी की तारीफ होगी। तो देखना इस समय इस ओर की चौथी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, डाउन द ग्राउंड। ये रहा स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 8 रन्स, थोड़ी सी ऊपर खिलाई, रीच में गेंद डाली, रडार में गेंद डाली, डाउन द ग्राउंड खेलते हुए महेश राउत, बढ़िया बल्लेबाज है, नामचीन बल्लेबाज है। बार फिर दूसरा स्ट्रोक, बैक टू बैक बड़ा हिट। तुझा माग माग किती घोळ त्यात गोंड गपन, माग काळ जात राहुला आई लव यू चा झेंडा गे। बैक टू बैक दूसरा स्ट्रोक महेश राउत यानी गोरू के बल्ले से, दो बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट होते हुए 6 रनों में
मोहपड़ा बॉयज के गेंदबाज नीलेश के पैरों तले जमीन को थोड़ा सा खिसकाने का कार्य करते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर इस समय 14 रन चाहिए, अभी भी जीतने के लिए 10 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। तीसरा मिस टाइम दिनेश सुतार के हाथ में जाके थमती हुई विकेट का पतन। 6 गेंदे 10 रन का मैच। तो 6 गेंदे 10 रन अभी भी चाहिए मैच जीतने के लिए। अब उनके भाई समय मैदान में मनोज राउत मैदान की तरफ, चाडू नाम से पहचाना जाता है टेनिस क्रिकेट जगत में, देखना इस समय गोरू के बाद में चाडू इस समय मैदान में। तो 6 गेंदे 10 रन अभी भी मैच बैलेंसिंग है। दो अच्छी गेंदे एक बार फिर मैच के रुख को चेंज करेगी, एक बड़ा स्ट्रोक मैच को क्लियर करेगी। दर्शक काफी तादाद में आए हैं, सभी दर्शकों का केलवा 11 की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस टूर्नामेंट के माध्यम से जो आपने आपके अमूल्य पलों को दिया है, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, इनके लिए आपका हार्दिक स्वागत। और आपकी जानकारी के लिए बड़ा मैच जीतने वाली टीम सावे मोटार के साथ में खेलेगी, और जीतने वाली टीम उनमें से जो जीतेगी आज के दिन क्वालिफाई टीम मानी जाएगी और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का दौर शुरू होगा। तो देखना अब तैयार होते हुए समय रोहित सामने समय है प्रीतम बारी। चिगेन डॉट गेंद इस समय 5 गेंदे 10 रन, 1 गेंद 2 रन, 5 गेंदे 10 रन। अच्छी मैच हर वक्त अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास निरंतरता के साथ में जारी है। यहां पर मिस टाइम जरूर हुई, गेंद हवा में लहराती हुई, क्या यहां पर इस कैच को लिया जाएगा, विकेट का पतन। तो बल्लेबाज अनिल बाने अब मैदान की तरफ, 4 गेंदे 10 रन। तो देखने अब दो भाई बहुत के बल्लेबाज मैदान में हैं। 6 गेंदे 10 रन का मैच, 4 गेंदे 10 रन के ऊपर आता हुआ। महिम गवचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय दीपक जी करपड़ साहब यांचं शुभ आगमन, ते वेलकम सर, शब्द सुनाने तुमचं हार्दिक स्वागत। रोहित सरांना मी नम्र विनंती करतोय, प्लीज पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं यथोचित स्वागत सन्मान करावा। स्वागत सन्मान केला जातोय। 4 गेंदे 10 रन, 1 गेंद नो के संकेत, फ्री हिट। चार गेंदे 9 रन अभी भी चाहे मैच को जीतने के लिए, 9 गेंद के संकेत, फ्री हिट के संकेत। मैच में एक बार फिर उत्सुकता बढ़ चुकी है। तैयार इस समय रोहित, खूबसूरत स्ट्रोक इस टाइम जरूर हुई है, सिंगल रन जरूर मिलेगा, लेकिन ये सेलिब्रेशन, लेकिन ध्यान आपका मैदान के अंदर होना चाहिए। फ्रीट अंपायर भी कहते हुए फ्रीट है, आप क्या कर रहे हो। 2 रन के साथ में स्कोर आगे सरकता हुआ। तीन गेंदे 7 रन की आवश्यकता। 3 गेंदे 7 रन। इस गेंद के ऊपर काफी कुछ निर्भर होगा। फुलटॉस, लेकिन मौका नहीं उठा पाए अमोल वाड़ा। कैच एक्सेलेंट, सुपर मैग्निफिसेंट फील्ड।
दो गेंदे अब सात रन्स अक्षय आरेकर टाइगर अब मैदान में, तो क्या टाइगर की दहाड़ यहां पर सुनने को मिलेगी। अक्षय आरेकर आए हैं मैदान में, स्ट्राइक इन के ऊपर है अनिल बाने, मैच है दो गेंदे सात रन्स, कुछ भी हो सकता है, दो गेंदे सात रन्स। इस गेंद के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, अगर ये गेंद के ऊपर रन्स आते हैं आखिरी गेंद तक मैच जाएगी, ये गेंद अगर डॉट जाती है मैच खत्म हो जाएगी, ये गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार आता है तो मैच फिर भी बनी रहेगी, यानी कि मैच का जो रुख है वो कह नहीं सकते किसके पक्ष में जाएगा। दो गेंदे सात रन्स दो गेंदे। उल्टास और आखिरी गेंद के ऊपर छह रन चाहिए, बड़ा मुकाबला है, आखिरी गेंद के ऊपर छह रन मार के मैच को जिताने का सुनहरा अवसर अब अनिल बाने के पास। पहली बार जावेद मेहदात ने मैच को जीता था, ब्रांडन टेलर चंद्रपाल दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद के ऊपर छह रन मार के मैच को जिताया था, क्या उनके सूची में इस टूर्नामेंट के तहत पहुंच जाएंगे अनिल बाने। कंपल्सरी चेस का जो रूल्स है, आखिरी गेंद छह रन, अगर आखिरी गेंद के ऊपर छह रन मारते हैं तो केलवा जो आयोजन किया है उनके तरफ से 500 ₹500 का कैश प्राइज रखा गया, अगर आखिरी गेंद के ऊपर छह रन मार के मैच को जिताते हैं तो देखना है ₹500 का कैश प्राइज यहां पे जमा होता हुआ अनिल बाने के लिए अपॉर्चुनिटी। और यहां पर मोहपड़ा बॉयज इस मैच को जीतते हुए, डीजे सावे मोटर चला नाने भी करूंगा आणि मोपडा बॉयज चला या आणि प्रेक्षक च्या वरती आता नक्कीच आमचा कॅमेरामनचं लक्ष नक्कीच तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाते, आमचा कॅमेरामन साहिल तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय। दोन षटकांचा सामना, चला नाणेफेक करून घ्या। सन्माननीय श्री दीपक जी करपड साहेब नाणेफेक करताना, महिम ग्रामपंचायतचे विद्यमान सरपंच या ठिकाणी नाणेफेक करताना, सामना नक्की थोडस थकायला झाला असेल मोहपडा बॉयज संघाला।